जम्मू में एक बार फिर से धुंध और धुंध के कारण लोग दोबारा से परेशान हो गए हैं। जहां पर कश्मीर के लोग ये कह रहे हैं कि यहां पर बर्फबारी शुरू होनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कुदरत का क्या निजाम है और अल्लाह को क्या मंजूर है। उसी के साथ आपको बता दें कि जम्मू वालों ने कभी इतनी कड़ाके की ठंड नहीं देखी थी, लेकिन इस बार ठंड से वो भी परेशान हो गए हैं। उनका भी ये कहना है कि कभी जो है वो धूप भी दिख जाए और बादल भी जो है वो जल्द से जल्द आ जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे जो पहले वाला लाइव था वो नेटवर्क की कनेक्टिविटी की वजह से जो है वो प्रॉपर वे से चल नहीं पाया, और फिर से हम आपके सामने जो है वो लाइव आए हैं। तो लाइव आने का एक ही मकसद है, जम्मू के लोग बारिशें चाहते हैं और कश्मीर के लोग जो है वो लगातार नमाजें पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर बर्फबारी हो, क्योंकि टूरिस्ट ना आने की वजह से काफी ज्यादा नुकसान कश्मीर को झेलना पड़ रहा है और कश्मीर के लोग जो हैं वो टूरिज्म पर भी डिपेंड है, इसलिए वो चाहते हैं कि टूरिस्ट यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आए। सोशल मीडिया पर सोना मरक का एक वीडियो जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक यूट्यूबर है यानी फूड व्लॉगर है, वो जाती है सोनामर्ग और सोनामर्ग में बर्फ, जहां पर सोनामर्ग में अभी पैर रखने की जगह नहीं होती थी, जहां पर इतने टूरिस्ट आए होते थे, आज वहां पर बर्फ इतनी है कि सिर्फ मानो किसी ने सफेद चादर जो है वो रख दी है, सिर्फ इतनी सी ही वहां पर बर्फ है। हालांकि जो यूट्यूबर वहां पर गई थी, जो वहां पर फूड व्लॉगर गई थी, उन्होंने भी कहा कि मैं बहुत नाराज हुई हूँ, क्योंकि मैंने जो है कपड़े भरकर बैग लेकर आई थी कि मैं ये जो है वो बर्फ में पहनूंगी, स्नो वाले कपड़े लेकर आई थी, तो इस बैग को मैंने खोला भी नहीं और उनका काफी ज्यादा नुकसान भी हो गया। उन्होंने बताया कि जो चीजें करने आई थी वो सारी चीजें जो है वो हुई नहीं है। तो अभी के लिए जो है मैं आपको ये बता दूं कि कश्मीर के लोग तो लगातार दुआएं कर रहे हैं कि ड्राई स्पेल खत्म हो, क्या जम्मू के लोग भी इस तरह की दुआएं कर रहे हैं कि यहाँ पे बारिश आए? क्योंकि अगर आप किसी के भी घर पर जाके देखिए, आपको उनके घर के व्यक्ति जो है ज्यादा से ज्यादा सूखी खांसी से बीमार दिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा बुखार से तड़पते हुए दिखेंगे। तो ये मौसम जो है ये बदल नहीं रहा, तो ये मौसम के मिजाज बदलने के लिए आप लोग भी क्या दुआएं कर रहे हैं? क्योंकि कश्मीर के लोग लगातार जो है वो दुआएं कर रहे हैं, क्या जम्मू के लोग भी इसी तरह की दुआएं कर रहे हैं? तो जरूर बताइएगा। और जिस तरह से अभी आप मेरे पीछे आने जाने वाली गाड़ियों को देख रहे हैं, ये गाड़ियां जो है वो बहुत एहतियात से चल रही हैं। इन गाड़ियों का एहतियात से चलने का मतलब ये है कि ये देखिए बहुत ज्यादा परेशान है लोग, क्योंकि इस तरह की जो हम बात करते हैं मौसम की, कहीं ना कहीं ये मौसम जो है वो ठीक नहीं होने को आ रहा है। और जनवरी का महीना होता था जब जम्मू के लोग पत्नीटॉप जाया करते थे, जिनकी लिमिट में पत्नीटॉप आता था कि पत्नीटॉप बर्फ पड़ चुकी है, लेकिन अभी पत्नीटॉप में भी सूखा सूखा ही है। और इसी तरह का हाल जो है हिमाचल और उत्तराखंड में भी है, अभी तक हिमाचल में भी बर्फ नहीं पड़ी है, नहीं तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिस तरह से हिमाचल की बात करते हैं, लोग जाया करते थे वहां पर जो है बर्फ पड़ा करती थी। हाँ, कनाडा जैसे अगर हम मुल्क की बात करें तो कनाडा में जो है वो बहुत ज्यादा बर्फबारी जो है वो चल रही है, और कनाडा के जो लोग हैं वो ठंड से काफी ज्यादा ठिठुर भी रहे हैं। जम्मू के लोग भी जो है वो ठंड से ठिठुर रहे हैं, लेकिन अभी जम्मू के लोगों की जिस तरह से मैं बात करूं, वो चाहते हैं कि बारिशें हो। किसानों से अगर बात होती है वो भी चाहते हैं बारिशें हो, आप लोगों से बात होती है आप भी चाहते हैं कि बारिशें हो, और जितने भी लोग अभी मेरे साथ हैं मैं उन लोगों से ये जानना चाहूंगी, आपने कितनी ज्यादा दुआएं की हैं, कितनी ज्यादा पूजा की है? 22 तारीख पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम दिन है, जिस दिन हम बात करते हैं उस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, और साथ ही साथ जो है आप लोग ये बताइएगा कि कितने ज्यादा लोग जो है वो दिन रात ये दुआएं कर रहे हैं कि हम लोग बीमार हो चुके हैं, आसपास वाले लोग बीमार हैं, और मौसम के मिजाज जो है वो जल्दी बदले। और बिल्कुल न्याज शेख है, कह रहे हैं कि गुनाह ज्यादा हो गए हैं। अगर गुनाह ज्यादा हो गए हैं तो लोग गुनाहों की माफी भी मांग रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो बारिशें हो जाए, कहीं ना कहीं बर्फबारी हो जाए। और जिस तरह से मैंने आपको कहा कि कश्मीर की लगातार वीडियोस अपलोड हो रही हैं, कश्मीर की वीडियोस में जो है ये बताया जा रहा है, बिल्कुल जम्मू में बहुत ठंड हो गई है, जम्मू भी कनाडा बन गया है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि कनाडा में बात हो रही थी, और कनाडा में जब हमने वीडियो कॉल से देखा तो वहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी, तो उनका ये कहना था कि हमारे कॉलेजेस से लेकर जो है हम जहां पर खड़े होते हैं, जो हमारे यार्ड है बस इसके, वो भी जो है इतने गर्म है कि हमें ठंड महसूस नहीं होती। लेकिन वही अगर हम जम्मू की बात करें तो इतनी ज्यादा फैसिलिटीज जो है वो जम्मू में नहीं है, लोग अपने पास जो है बॉयलर वाटर रखते हैं यानी गर्म पानी की बॉटल रखते हैं, हीटर्स रखते हैं, कांगड़ी का ज्यादा इस्तेमाल जम्मू के इलाकों में भी किया जाता है, लेकिन कश्मीर में ज्यादा किया जाता है। कश्मीर के लोग जो है वो फिरन पहनते हैं, कश्मीर के लोगों की बात करें उनके फिरन जो है वो इतने ज्यादा अच्छे होते हैं, इतने ज्यादा वार्म रखते हैं कि उन्हें किसी चीज की जो है वो जरूरत नहीं पड़ती। वही अगर हम जम्मू की बात करें तो अभी जम्मू में जितनी ठंड पड़ रही है ना, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। लोगों का ये कहना है कि शायद इस बार हमें यहाँ से बैग पैक कर जो है वो कश्मीर चले जाना चाहिए, और कश्मीर चले जाना चाहिए ताकि हमें राहत मिल सके। और कश्मीर के लोग जब जम्मू आए थे तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि बहुत ज्यादा ठंड है,
हम यहाँ पर नहीं रह रहे। और मैं आपको अपने घर के पास का इंसिडेंट बताऊं, हमारे घर के सामने कश्मीर के कुछ लोग आए थे रहने के लिए, वो वापस चले गए। उन्होंने कहा कि ये जम्मू की ठंड हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और जिस तरह से बात करते हैं, रियासी में भी बहुत ज्यादा है, आज श्रीनगर में धूप है बिल्कुल। जितने भी लोग मुझे श्रीनगर से देख रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप एक एक फोटो खींच के ना उस धूप का जरा कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि लोग भी देख सके कि वाकई में कश्मीर में जो है वो इतनी ज्यादा धूप है। और जहां पर दीपक शर्मा है, वो कह रहे हैं कि बच्चों की छुट्टियां एक्सटेंड होनी चाहिए। दीपक, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने समय समय पर वो डिसीजन लिया है जो बच्चों के लिए जो है फेवरेबल था। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो है, कल संडे है, आज सैटरडे है, कोई ऑर्डर जारी कर सकते हैं। अगर उन्होंने कोई ऑर्डर जारी नहीं किया, फिर तमाम स्कूल के बच्चों को जो है वो जाना होगा स्कूल। और राजस्थान, गंगाराम है मेरे साथ राजस्थान से। गंगा जी, क्या हाल है वहां पर? अभी राजस्थान में मौसम के क्या कुछ सूरत हाल है? और श्रीनगर में आज अच्छी धूप है। जितने भी व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हैं जिनके वहां पर धूप है, प्लीज एक एक जो है वो धूप के साथ सेल्फी हो जाए, या एक एक फोटो जो है वो कमेंट बॉक्स में हो जाए, ताकि धूप देखने को मिले। और साथ ही साथ यहां पर जो है दिल्ली में सर्दी हो रही है, बिल्कुल दिल्ली में भी जो है वो ज्यादा सर्दी है। किश्तवाड़ में धूप है, कश्मीर में बहुत गर्मी है। पंजाब की अगर मैं बात आपको बताऊं ना, पंजाब के एरियाज में भी बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और पाकिस्तान के पंजाब की मैं बात करूं, कल मैं एक खबर पढ़ रही थी, वहां पर मैंने देखा कि इंटेंस कोल्ड वेदर की वजह से जो है कुछ काफी ज्यादा बच्चों की जो है वो जान चली गई है। यानी पाकिस्तान के पंजाब के जो हालात है वो भी सर्दी से जो है वो दूर नहीं है। और जिस तरह से जितने भी यहाँ पर लोगों की मैं बात करूँ, तो मैंने आपको जिस तरह से पहले ही बताया, हिमाचल के लोग, हिमाचल भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लोग वहां पर जाते हैं, बर्फबारी होती है, लेकिन आज हिमाचल में भी कोई बर्फबारी नहीं है। हिमाचल में भी टूरिज्म जो है वो ठप हुआ पड़ा है। लोग अगर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, वो अपने अपने बैग्स को पैक कर रहे हैं कि हमें जो है बर्फबारी में खेलना है। अगर मैं कश्मीर की बात करूं, तो कश्मीर में जब बर्फ गिरती है ना, तो वहां पर खेलने के लिए, गेम्स के लिए इतनी ज्यादा चीजें हैं कि लोग उसी में खुश हो जाते हैं, लोग स्नोमैन बनाते हैं। तो लोग स्नोमैन कहां से बनाएंगे जब सोनामर्ग, जिसका नाम ही स्नो से शुरू होता है, जब सोनामर्ग में अभी तक बर्फ नहीं पड़ी, गुलमर्ग, पहलगाम में बर्फ नहीं पड़ी, तो लोग कहां पर जाएंगे, कहां पर स्नोमैन बनाएंगे? क्योंकि जो अभी बर्फ वहां पर थोड़ी थोड़ी पड़ी है ना, वो बर्फ ना बिल्कुल जमीन के साथ चिपक गई है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, जो जमीन के साथ बर्फ चिपकी है, वहां से फिसलन, गिरने का, बाजू का, टांग का खतरा जो है वो ज्यादा रहता है। तो लोग कहीं ना कहीं जो है वो नहीं जा रहे हैं अभी। और कश्मीर के जिस तरह से लोगों की बात करते हो, उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। कश्मीर के लोगों ने बहुत ज्यादा दुआएं की, हमने सोशल मीडिया पर देखा, बहुत ज्यादा नमाज पढ़ी, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। उन्होंने कहा कि अल्लाह जो है वो करम फरमाए अपना, अल्लाह जो है वो बारिशें दे, अल्लाह जो है वो बर्फ दे, लेकिन अभी तक जो है वो नहीं हुई है। और मैं आपको बता दूं, पुंछ में आज धूप है, बिल्कुल। मोहम्मद यूसुफ शेख है जो कह रहे हैं अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। बिलावर में बहुत सर्दी है, और बांडीपुरा में जो है वो धूप है। तो बिल्कुल आज श्रीनगर में लोगों को धूप देखने को मिल रही है। एक बार यहाँ पर जो है कैमरा घुमाया जाए, आपको अगर उस तवी का नजारा दिखता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उस तवी के नजारे में आपको ये जो धुंध दिख रही है ना, ये धुंध देखिए पेड़ों के चारों तरफ है। यहाँ से जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं, देखिए स्कूटी पर जो आ रहे हैं, कितनी ज्यादा जो है मुश्किलातों का सामना जो है उन्हें करना पड़ रहा है। चारों तरफ से आपको धूप देखने को मिलेगी, लेकिन लोगों के कामकाज जो है वो ठप नहीं होंगे, लोग जो है वो कामकाज करते रहेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े थे, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही जो है हम दोबारा से आप लोगों के सामने आते हैं। आप लोग हमें बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूंगी, अपनी एक सेल्फी जम्बुलेटन न्यूज के इसी लाइव सेशन के कमेंट बॉक्स में हो जाए, धूप वाली सेल्फी। और खबर अभी मैंने आपको बताई ठंड की रियलिटी क्या है, ये आपने देख ली। और अगर आपको अभी भी यकीन नहीं होता है, आप गूगल करके देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में कैसा मौसम है। अभी कुछ लोग आएंगे, वो कहेंगे कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहता है कि 26 के बाद, यानी 25 से 26 के बाद जो है बारिश और स्नोफॉल हो सकता है। वही मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमें भी खबर भेजता है, उसने भी बिल्कुल ऐसा ही कहा है। और नेक्स्ट वीक तक जो है इस ड्राई स्पेल से आपको जो है वो कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। लेकिन अब कोई डीएनए करे, कोई आपको रियलिटी बताए, खबर यह है कि आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, आपको भी पता है कि चार बातें बोलने वाला क्या बोल रहा है। जो हमारे पास खबर थी हमने आप तक रख दी, अब आपकी क्या राय है आप जो है वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। एक धूप वाली सेल्फी जो है अपनी जरूर इस कमेंट बॉक्स के नीचे जो है वो खींच के भेजिएगा, ताकि हम भी देखें हमें लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं और कहाँ कहाँ पे धूप है। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, इस ठंड से अपने आप को बचाएं, और डीएनए और रियलिटी भी देखते रहें।